राजधानी दिल्ली में भले ही चुनाव अगले साल हों, लेकिन मैदान सज चुका है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पिछले विधानसभा चुनाव के वायदे की याद दिला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वच्छ यमुना नारे का कड़वा सच दिखाने की कोशिश की, लेकिन डुबकी लगाने के बाद वो खुद ही बीमार पड़ गए। हमारे देश में मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके सच होने का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाएंगे तो सीधे अस्पताल की पर्ची कटती है। और इसका जीता जागता प्रमाण है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आरएमएल अस्पताल में एडमिट वीरेंद्र सचदेवा की नासाज तबीयत का राज दो दिन पुरानी घटना में छिपा है, जब केजरीवाल तेरी यमुना मैली का जाप करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उसमें डुबकी लगाई थी। सचदेवा डुबकी लगाकर बाहर आए और क्या हुआ, तेरा वादा वाले अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर तीर चलाए, लेकिन यमुना के गंदे पानी ने वीरेंद्र सचदेवा की हालत खराब कर दी और अब वो डॉक्टर के आदेशों का पालन करने को मजबूर है। जो डुबकी लगाने का चैलेंज देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में स्नान किया, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लाल रैशेज, खुजली और सांस लेने की हल्की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल लाया गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यहां से वापस जाना पड़ा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि यमुना को वो साफ कर देंगे और पहली डुबकी खुद लगाएंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। साफ होना तो दूर, केजरीवाल के इंतजार में यमुना और बदहाल जरूर हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यमुना में डुबकी लगाकर अस्पताल में भर्ती है। वहीं आम आदमी पार्टी की दलील है कि दिल्ली में बीमार लोगों की कमी नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी हम सब शुभकामनाएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल इतना समझ में आता है कि केवल नौटंकी से पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली में अगले साल चुनाव है। आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में है। क्लीन यमुना उसके नारों में गूंजता है। यमुना तो मैली रह गई, लेकिन सियासत उससे ज्यादा जहरीली नजर आ रही है। और अब एक महत्वपूर्ण खबर। अगर आप दिल्ली में सालों पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो उसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर मत निकलिएगा, क्योंकि प्रदूषण के सीजन में आपकी गाड़ी बैन होने वाली है। एक एक करके कुछ आंकड़े रखते हैं आपके सामने। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने पर ग्रैप 3 के नियम लागू हो जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग सकता है। बैन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर निकलेगा तो उसे ₹20,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में BS3 पेट्रोल मॉडल की करीब 2,00,000 गाड़ियां हैं, जबकि BS4 डीजल मॉडल की 3,00,000 गाड़ियां चलती हैं। यानी बैन लगने के बाद दिल्ली की सड़कों से 5,00,000 गाड़ियां गायब हो जाएंगी। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। ये इंजन के वर्जन की तरह काम करता है, जैसे फोन और लैपटॉप के वर्जन हर साल अपडेट होते हैं, ऐसे ही समय समय पर गाड़ियों का इंजन भी अपडेट होता है। फिलहाल भारत में BS6 वर्जन वाले इंजन की गाड़ियां इस वक्त बिक रही हैं। 2017 तक मार्केट में सभी गाड़ियां BS3 मॉडल की बिकी हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन भी BS3 वेरिएंट का है तो दिल्ली की हवा सुधरने तक उसे घर पर ही रखें या फिर नई गाड़ी खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। ABP News आपको रखे आगे।